सिद्धार्थ का जन्म लगभग 513 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के शासक राजा शुद्धोधन, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपराहवा के तौर पर जाना जाता है और माया देवी के पुत्र के रूप में हुआ था और यह मानव जाति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने इस सांसारिक जीवन के सुखों को त्याग दिया और मोक्ष की अथक खोज में निकल पड़े। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे मोक्ष प्राप्ति की उत्कंठ इच्छा के साथ आसन जमा लिया, जिसे उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त भी किया। मैं इस आसन से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक कि मैं सर्वोच्च और पूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं कर लेता। और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन्हें गुआटामा, उनका गोत्र बुद्ध प्रबुद्ध कहा गया। जब वे 80 वर्ष के थे तब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में बुद्ध का देहावसान हुआ। कुशीनगर के मल्लों ने एक सार्वभौमिक राजा के रूप में पूर्ण सम्मान के साथ विधिवत तरीके से उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। उनकी पवित्र अस्थियों को चिता से एकत्रित किया गया और इन्हें 8 भागों में विभाजित करते हुए मगध के अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, अल्लकप्प के बुली, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलीय और पवित्र अवशेषों के साथ स्तूप का निर्माण करने के लिए वेदद्वीप के एक ब्राह्मण को वितरित किया गया। 2 और स्तूप अस्तित्व में आए जिसमें एकत्रित किए गए अवशेष एक कलश के ऊपर और दूसरा अंगारे के ऊपर थे। इस प्रकार बुद्ध की अस्थि मंजूषा सरिरिका स्तूप पर बने स्तूप सबसे पहले जीवंत बौद्ध मंदिर हैं। ये कहा जाता है कि अशोक लगभग 200 बभट्टी वो ज्योतिष ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म के एक उदीप्त अनुयायी होने के नाते इन 8 स्तूपों में से 7 को खोल दिया और उसने बौद्ध धर्म के साथ साथ स्तूप पंथ को लोकप्रिय बनाने के लिए इन स्तूपों के भीतर से एकत्रित किए गए अवशेषों के साथ असंख्य 6,000 स्तूपों का निर्माण किया। कपिलवस्तु पिपरहवा। पिपरहवा का टीला प्राचीन कपिलवस्तु के साथ इसकी पहचान के रहस्य को उजागर करता है। 1800 में इस स्तूप में एक उत्कीर्ण की गई मंजूषा की खोज एक युगांतरकारी खोज थी। इसके आवरण पर लिखा शिलालेख बुद्ध के अवशेषों और उनके समुदाय शाक्य को संदर्भित करता है। सुकिति भतिनम सा भगिनिकाणम सा पुतादलनम अयम सलिला निधारे भत्सा भगवते शाक्याणम। राइस डेविस के अनुसार इसका अर्थ है विशिष्ट के भांता उनकी बहनों और उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के साथ बुद्ध के अवशेषों का यह तीर्थ स्थल शाक्य का है। इस खोज के बाद भी कई खोज की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1971-77 द्वारा स्तूप की आंशिक रूप से की गई एक और खुदाई में इसके निर्माण के 3 चरणों का खुलासा करने के अलावा स्टीटाइट अवशेष के 2 और ताबूत मिले। इनमें से एक उत्तरी और एक दक्षिणी कक्षों में था जिनमें कुल 22 पवित्र अस्थियां हैं और अब यह राष्ट्रीय संग्रहालय की देखरेख में है। इसके बाद पिपरहवा में पूर्वी मठ में विभिन्न स्तरों और स्थलों से 40 से अधिक टेराकोटा सीलिंग की खोज की गई जिसमें ओम देवपुत्र विहार कपिलवस्तु भिक्षु संघ अर्थात देवपुत्र विहार में रहने वाले कपिलवस्तु के बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय और पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के ब्राह्मी चरित्र में महाकपिलवस्तु भिक्षु संघ जैसे उपाख्यानों ने इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं कि पिपरहवा ही प्राचीन कपिलवस्तु था। अंत में कपिलवस्तु के मुख्य नगर क्षेत्र के अवशेष गणवारिया में पाए गए जिसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी जहां भिक्षुओं के रहने के लिए कुछ सदियों बाद मठों का निर्माण किया गया था। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के पूजनीय इन अवशेषों को राजकीय अतिथि के दर्जे के अनुरूप भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान में ले जाया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अवशेष दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना अड्डे पर लाए गए। अधिकारी ने कहा कि विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अवशेषों के स्वदेश आने पर एक समारोह में अवशेषों की आगवानी करेंगी।
इन अवशेषों को 26 दिनों के लिए भारत से थाईलैंड लाया गया था। भगवान बुद्ध के चार पवित्र पिपराहवा अवशेष सहित उनके दो शिष्यों अरहाता सारिपुत्र और अरहाता मौद्गल्यायन के अवशेष बृहस्पतिवार को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान के जरिए थाईलैंड पहुंचे। इन्हें शुक्रवार को बैंकॉक के सनम लुआंग मंडप में विशेष रूप से निर्मित पंडाल में श्रद्धा और मंत्रोच्चार के बीच प्रतिष्ठापित किया गया। भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शनिवार को माखा बुछा दिवस पर लगभग 1,00,000 श्रद्धालुओं ने अवशेषों के दर्शन किए। थाईलैंड के अखबार द नेशन के अनुसार माखा बुछा दिवस एक महत्वपूर्ण बौद्ध दिवस है जो करीब 2500 साल पहले 1150 प्रबुद्ध भिक्षुओं की एक सभा क्याहा की याद दिलाता है। ये त्योहार जिसे माघ पूजा के नाम से भी जाना जाता है बौद्ध अनुयायियों के लिए विशेष स्थान रखता है। अवशेषों को थाईलैंड में 22 फरवरी से शुरू हुई 26 दिवसीय प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेषों को एक साथ प्रदर्शित किया गया